सिर्फ एक हिट से बाजी पलट सकती है। हाँ सुनियो, अगर हमने एक हिट मार लिया तो हमें टर्न अराउंड विन मिल सकती है। अगला कौन है? हाँ तो अगला बैट्समैन है नोबिता। वाह अब मजा आएगा। लेकिन नोबिता है कहाँ पर? सोचने वाली बात है, वो आखिर गया कहाँ? नोबिता क्या हुआ? क्या तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता कि हम इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रहे हैं? बैटिंग की बारी अब तुम्हारी है। क्या मेरी बारी है? अरे हाँ, आज मैं बैटिंग करूंगा। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा कच्चा खिलाड़ी है, इसको तो मैं देखना तुम यू ही आउट कर दूंगा। मैं ये बैट इस्तेमाल करूंगा। नोबिता द्वी है। हाँ मुझे पता है। नोबिता अगर तुमने ठीक से शॉट नहीं मारा तो तुम गए काम से। ये एक अच्छा मौका है नोबिता, इसे प्लीज मत खोना। अरे रोते क्यों हो, मुझ पर थोड़ा भरोसा करो। अरे सुनो, इसे आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल मत डरना। नोबिता सुनो, स्विंग मत करना। सुनो, एक डेड बॉल सही रहेगी। तुम दोनों चुप बैठोगे तो मैं आराम से खेल पाऊंगा। अरे तुम अब बातें करते रहोगे या कुछ कमाल भी करके दिखाओगे? स्विंग नहीं, नहीं मैं हिट करूंगा। अरे बॉल कहाँ चली गई? नोबिता मुझे माफ कर दो। मुझे विश्वास नहीं होता लेकिन ये एक होम रन है, तुमने एक बहुत ही शानदार होम रन मारा है। हाँ क्या मैंने एक होम रन मारा? ये मैंने कर दिखाया। जी हाँ जरूर, ये एक सपना होगा। तुम हमारे हीरो हो, तुम हमारे जैक हो, तुम हमारे हीरो हो। क्या एक होम रन? ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ और तुम्हें पता है मेरे लाजवाब होम रन की वजह से आज हमारी टीम की जीत हुई। ये तो सच में बहुत शानदार है नोबिता। हाँ आज बहुत मजा आया, काश तुम भी मेरा शॉट देख भी उछाला और मेरी बहुत तारीफ की। और नोबिता वो बॉल किस तरह की थी? एक इनसाइडर ऑन एंड आउट कोर्स थी वो बॉल। तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया नोबिता बेटा। आपको पता है मॉम, मैं उस बॉल का इंतजार कर रहा था और वो तेजी से मेरी तरफ आ रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और तेजी से उस बॉल को हिट किया। बहुत बढ़िया। अब जब मैं उस बॉल के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि उसे खेलना आसान काम नहीं था, लेकिन मेरी ताकत की भी दाद देनी चाहिए। अपनी आंखें बंद करके उसे हिट किया होगा और जीत गया हूँ ना मैं कमाल का। जब मैं वो होम रन ले रहा था तब तुम्हें कैमरा लेकर मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था ना, जिससे कि मैं शिजुका को दिखा पाता कि मैं कितना डैशिंग लगता हूँ, वो भी बहुत खुश हो जाती ना। हे नोबिता क्या तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? तुम देख सकते हो ना कि मैं बॉक्सिंग मैच देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम खुश हो पर चुप रहो थोड़ी देर के लिए, ठीक है? उसने कर दिखाया। आज का मैच बड़ा शानदार रहा, ऐसी जीत हमने पहले कभी नहीं देखी। क्या आपने नॉकआउट सीन देखा? हाँ उसने बहुत ही बढ़िया पंच मारा, एक लेफ्ट हुक और एक राइट अपर कट, कमाल का कॉम्बिनेशन है। नोबिता तुम्हारी वजह से मैंने अपना नॉकआउट सीन मिस कर दिया, अब बताओ मैं क्या करूं? बोलो जल्दी बताओ वरना अच्छा नहीं होगा, मिलती है समझे? चलिए इस खास पल को एक बार और देखते हैं, मेरा मतलब वो नॉकआउट सीन जिसने इतिहास रच डाला। आखिर मैंने नॉकआउट सीन देख ही लिया। चलिए अब इसे स्लो मोशन में देखते हैं। वाओ वो कितना पावरफुल है। तुमने सही कहा, बहुत बढ़िया मिस्टर योशी, हर पंच बहुत जबरदस्त था। बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया, पंच कमाल का था। डोरेमोन तुम्हें भी मुझे ऐसा गैजेट देना चाहिए था जिससे कि मैं शिजुका को दिखा पाता कि मेरा शॉट कितना बढ़िया था। सुनो मुझे एक गैजेट दे दो। चलो अरे ये क्या है? क्या ये वो काम कर सकता है जो मैं चाहता हूँ? बोलो डोरेमोन। हाँ ये तुम्हारे एक्शन रिकॉर्ड करके उन्हें बहुत बार दिखा सकता है। अच्छा बस तुम्हें किसी बढ़िया से सीन आने से पहले इसे सेट करना होगा। सच में? मुझे लगता है तुम्हें इस पर विश्वास नहीं है, तो फिर तुम खुद ही इसे ट्राई करके देख सकते हो। हाँ? आओ हम देखते हैं, इसे यहाँ पर रखना चाहिए और इसे हम 5 पर सेट कर देते हैं। हाँ? अब ठीक है चलो। क्या अकेले खाओगे? ये तुम क्या कह रहे हो नोबिता, ये मेरा कल वाला स्नैक था जो मैंने बचा लिया था, ठीक है? अब मैं इसे यहाँ रखता हूँ, मैं इसे खाऊंगा। हाँ ये तो सच में बहुत टेस्टी था। अरे तुम तो अकेले अकेले सारे डोरा केक्स खा गए, ये बहुत गलत बात है। कोई बात नहीं,
नोबिता शांत हो जाओ, ये तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए था। देखो रिप्ले स्टार्ट होने वाला है। अरे ये वापस कैसे आ गया? ये सिर्फ एक रिप्ले है नोबिता, इसलिए ये नामुमकिन है। आई एम सॉरी। ये टेस्टी था नोबिता, अभी चार बार और बाकी है। अब मैं इसे खाऊंगा। मैंने 5 बार खा लिया और इसीलिए मेरा पेट पूरा भर चुका है। अरे तुम्हें क्या हो गया नोबिता? तुमने सारे डोरा केक्स अकेले ही खा लिए। पर ये सब तो मैंने तुम्हारे लिए ही किया था, और अगली बार मैं तुम्हारे लिए इसे बेसबॉल में यूज करूँगा। पता है तुम्हारे हिट करने से पहले मैं इसे सेट कर दूंगा, इसलिए जब तुम होम रन लोगे तो तुम शिजुका को उसे 10 या 100 बार भी दिखा सकोगे। कैसा लगा मेरा प्लान? बहुत अच्छा आइडिया है, शिजुका बहुत खुश हो जाएगी। एक बात कहूँ नोबिता, तुम बहुत कमाल के हो। ये तो सिर्फ तुम्हारे लिए था शिजुका। वाकई बहुत मजा आएगा ना। हाँ। अच्छा तो मैं इसे एक बार ट्राई कर लूँ। ठीक है, लेकिन तुम क्या करने वाले हो नोबिता? वो देखना तुम्हारा काम है। ये राइट पोजीशन के बारे में है। एक्चुअली वो बॉक्स खोलोगे प्लीज? हाँ ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे लिए इस बॉक्स में क्या है। और अब इसका एक्शन रिप्ले दिखाया जाएगा पूरे 30 बार। ये तो बिल्कुल पहली बार की तरह लग रहा है। नोबिता, ये सब क्या शोर है? मैं नहीं, डोरेमोन शोर मचा रहा है। उसे रोको नहीं तो पूरा घर टूट जाएगा, समझे? अभी 20 बार बाकी है। क्या कहा, 20 बार? ये हुर्रे, मैं इस गैजेट को इस्तेमाल करना सीख गया। क्या ख्याल है डोरेमोन? बहुत अच्छा काटा, लगे रहो। गेम बदलने का मौका अब हमारा है। अगला बैट्समैन कौन है? जियान अगला बैट्समैन हमारा चैंपियन नोबिता है। बढ़िया खेला। हाँ देखना शिजुका, अब मैं जाकर खेलूंगा और एक शानदार होम रन मारूंगा। उस लम्हे को देखना जब मैं सुपर हीरो बन जाऊंगा। ये कितना कॉन्फिडेंट है। देखो ये जबरदस्त प्लेयर है, जरा संभल के। मैं कोशिश करो। डोरेमोन एक्शन रिप्ले को 50 पर सेट करो, नहीं 100 पर, और आधा स्लो मोशन तो में। ठीक है, अब मैं इसे 100 रिप्लेस पर सेट कर देता हूँ और 50 स्लो मोशंस। क्या तुम तैयार हो नोबिता? नोबिता होम रन मारना जरूर। अब सब कुछ तुम पर है। ठीक है। कोई बात नहीं, अभी और 2 पिचेस बाकी हैं। जियान ने सही कहा। स्ट्राइक। अभी एक और मिनट बाकी है नोबिता। हाँ नोबिता। स्ट्राइक बैट्समैन। अहे पिछली बारी वाला होम रन तो नोबिता ने तुक्के से ही मारा था, पहले ही समझना चाहिए था। अरे ये रिप्ले तो शुरू होने वाला है। आउट होने के बाद अब क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? तुम 3 स्ट्राइक्स पे आउट हुए हो, अब बेंच पर वापस जाओ। मुझे पता है, लेकिन मुझे ऐसे 100 स्ट्रोक्स लगाने ही होंगे। ये नोबिता आखिर कर क्या रहा है? नोबिता अब प्रैक्टिस करने का क्या फायदा, अब प्रैक्टिस के लिए बहुत देर हो चुकी है, समझे? अब वो 3 एम्प्टी स्विंग 100 बार रिपीट होने वाली है। अरे वो 100 बार नहीं, 300 बार रिपीट होंगी, और फिर उसके बाद 150 बार स्लो मोशन में भी। क्या? नहीं ये गलत बात है। बड़ा बुद्धू तो मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा होगा शिजुका कि तुम अपने घर चली जाओ। हाँ, और मुझे घर जाकर नहाना भी है। अरे नहीं शिजुका, प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, डोरेमोन कुछ करो। डोरेमोन अब कितनी बार और करना है? 30 बार और बाकी है नोबिता, और फिर उसके बाद स्लो मोशन भी। मैं थक गया, कुछ करो। तो फिर नोबिता अब आगे से शिजुका को इम्प्रेस करने की जिद कभी मत करना। प्लीज डोरेमोन, अब मुझसे और नहीं हो रहा, कुछ करो डोरेमोन। मैंने कभी नहीं सुना था कि रोबोट को भी कोल्ड होता है, और फिर मैं तो 22nd सेंचुरी का रोबोट हूँ। ओ
थोड़ी देर बेड में सोना चाहता था। मैं डोरेमोन बोल रहा हूँ। ओ तुम हो नोबिता, अब तुम्हें जल्दी से घर आ जाना चाहिए, ठीक है? क्या कहा? एक बड़ी मुसीबत? ठीक है, मैं अभी वहाँ जल्दी से पहुँचता हूँ। आचू! आचू! हे नोबिता, क्या बात है? तुम्हें पता है कल मेरा टेस्ट है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें जल्दी से घर जाकर पढ़ना चाहिए। डोरेमोन, घर जाने के लिए मुझे लेफ्ट की तरफ मुड़ना होगा। हाँ, सही कहा। लेकिन पता है शिज़ुका ने मुझे अपने साथ खेलने के लिए बुलाया है। हुँ? उसका घर तो राइट की तरफ है। मैं राइट साइड जाऊँ या लेफ्ट की तरफ जाऊँ? राइट की तरफ जाऊँ या लेफ्ट की तरफ? राइट या लेफ्ट? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। अच्छी, तुम्हें क्या हो गया? मुझे कोल्ड हो गया है नोबिता। हाँ तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें इतने छोटे छोटे काम के लिए मुझे घर से बाहर नहीं बुलाना चाहिए। तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वो तुम्हें देना चाहिए या नहीं, क्योंकि तुम हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देते हो। कहीं हर बार की तरह इस बार भी कोई गड़बड़ ना हो जाए। अपने आप से बात करना बंद करो और मुझे वो दे दो जल्दी से। ठीक है। डिवाइन गाइडेंस एंजल, इसे अपनी उंगली पर लगा लो और फिर इसे राय मांगो। ये तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया जवाब देगी, ठीक है? क्या सच में? देखो, ये एंजल तुम्हारी पूरी तरह से मदद करेगी नोबिता। चलो अब इससे पूछने की कोशिश करो। अच्छा बताओ, मैं लेफ्ट जाऊँ या राइट? मुझे आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाओ। राइट जाओ, तुम अपना होमवर्क। सही कहा, तुम्हारी राय सचमुच बहुत अच्छी है। तुम तो एक काम की चीज हो। अगर तुम्हें कोई चीज परेशान करे तो इससे राय ले लेना। ओके। अच्छा बताओ, मैं अपने लेफ्ट फुट से आगे बढूं या राइट फुट से? एंजल तुम्हारी राय क्या है, बताओ? अगर तुम अपने लेफ्ट फुट का इस्तेमाल करोगे तो तुम गंदगी में गिर जाओगे। अच्छी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा। अगर तुम मेरी बात सुनोगे ना तो तुम कभी गलत नहीं हो सकते। तुम भरोसे लायक हो। अगले मोड़ से लेफ्ट ले लेना। इस बात में तुम गलत हो, राइट वाला रास्ता तो शॉर्टकट है, समझी? लेफ्ट मुड़ना अच्छा होगा, लेफ्ट मुड़ना। देखो, मैं इस एरिया को ज्यादा जानता हूँ। नोबिता, तुम हमारे साथ बेसबॉल खेलने चलोगे? बोलो। वो दरअसल मुझे जरूरी काम था। क्या कहा? एक तो मैंने इतने प्यार से तुमसे आकर पूछा और तुम अब मना कर रहे हो। मैं क्या करूँ? मैंने तुम्हें लेफ्ट मुड़ने के लिए कहा था ना। लेकिन मैं इस तरफ मुड़ चुका हूँ, अब क्या करूँ? मुझे इसके साथ चले जाना चाहिए नोबिता। लेकिन शिज़ुका मेरा इंतजार कर रही होगी। नोबिता, ये तुम अपने आप से क्या बात कर रहे हो? हमारे साथ चलोगे या नहीं? तो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हे नोबिता, क्या तुम इस डॉल को पकड़ कर खेलोगे? नहीं, लेकिन मैं इसे उतार नहीं पा रहा। तुम देर क्यों कर रहे हो? इसे पकड़ो। मैं बिल्कुल सही समझा, सुनियो, ये कितना अच्छा है ना? जो भी है, जल्दी से तुम दोनों पोजीशंस में आ जाओ। हाँ हाँ, ठीक है। अब सब कुछ तुम पर है। पीछे पीछे पीछे, ठीक है, अब तीन स्टेप्स राइट में, बहुत दूर है, आधा स्टेप वापस आओ। हाँ? अच्छा, अब हुर्रे का हो। हुर्रे! बहुत अच्छे नोबिता, बहुत अच्छे नोबिता, बहुत अच्छी राइट पकड़ी तुमने। पीछे पीछे रुको, ये कहो। ये, अरे ये तो कुछ भी नहीं था। अरे वाह, नोबिता ने तो कमाल कर दिया। देखो नोबिता, आगे। पहली पिच हिट मत करना, ये बॉल है। ओके बॉल। अगली वाली अपने पूरे दिल से हिट करना, हिट करते ही भागना। गेम के बीच में भाग गया तो सब गुस्सा हो जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा, गेम वहीं पर खत्म हो जाएगा। देखो, उसने कर दिखाया। नोबिता, पहला बेस दूसरी तरफ है। नोबिता, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे भागो यहाँ से, अरे भागो यहाँ से, भागो। देखा, मैंने कहा था ना, गेम कैंसिल हो जाएगा। चलो अब हम शुरू करें। गलत, ये सही चाल नहीं है, अगला पीस मूव करो। अब बस भी करो, ये गेम मैं खुद खेल सकता हूँ। चुप रहो तुम, समझ गई? सॉरी, मैं फिर जीत गई नोबिता। तुम हारे। कुछ नहीं होता, ये लो तुम्हारे लिए दो चम्मच चीनी और तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। हाँ मुझे पता है। हाँ बहुत टेस्टी है। तुम उंगली डालोगे तो तुम्हें पसंद नहीं करेगी। अब तुम बस भी करो इंजन। चलेंगे, तुम्हें पढ़ना है, नहीं तो तुम कल के टेस्ट में फेल हो जाओगे। हाँ? अच्छा, क्या इतना टाइम हो गया है? नोबिता, तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे बड़बड़ा क्यों रहे हो? बोलो। क्या? नहीं, कुछ भी नहीं।
क्या घर जाना जरूरी है? मैं तो ये तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ, हमें जरूर घर जाना चाहिए नोबिता। मॉम, नोबिता घर जाने के लिए कह रहा है। ओ नोबिता, पर तुम्हें रुकना चाहिए, मैंने तुम्हारे लिए काफी कुछ अच्छा बनाया है। आंटी वो लेकिन, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, तुम ही बताओ एंजल। ये तो बहुत ही आसान है, चलो जल्दी से मुंह बना लो। हाँ? अच्छा तो फिर आज तुम्हारी वजह से शिजुका मुझसे नाराज हो गई। तुमने ऐसा काम क्यों किया, बताओ एंजल। इसी वजह से तो तुम वापस घर जा रहे हो। क्या मतलब? चलो छोड़ो उस बात को, राइट की तरफ चलो, राइट की तरफ चलो। चुप रहो एंजल, देखो तुम दखल देना बंद करो। अरे मेरा जूता तो गंदा हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। बस सब बहुत ज्यादा हो गया, निकलो। तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम मुझे अपने आप ऐसे नहीं उतार सकते। मैं तुम्हें आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसी चीज देने की? सुनो डोरेमोन। अरे क्या बात है डोरेमोन, तुम्हारा पेट क्यों खुला हुआ है, क्या हुआ? मुझे सुबह से बहुत ठंड लग रही थी और जब मैं घर पहुंचा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब मैंने चेक किया तो एक स्क्रू कम था नोबिता, मेरी तबीयत खराब है। क्या स्क्रू कम है? और अगर वो स्क्रू नहीं मिला तो मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। क्या डोरेमोन, एक स्क्रू की वजह से खराब हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। इतना जरूरी स्क्रू घुमाने की तुम्हें क्या जरूरत थी डोरेमोन, बोलो। हाँ, जब तुमने मुझे बुलाया था तब मैंने बहुत जोर से स्नीज किया था, शायद वो तभी वहीं गिर गया हो और अभी भी वो शायद वहीं पड़ा होगा। नोबिता प्लीज, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। मैं और हिल नहीं पा रहा हूँ, जल्दी कुछ करो। ठीक है डोरेमोन, मैं भी आया, तुम यहीं पे रुकना, मैं उसे जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अरे छोड़ो इस बात को, तुम अपना होमवर्क पूरा करो, होमवर्क। एंजल तुम कैसी बातें कर रही हो, डोरेमोन मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ। डोरेमोन मैं भी आया। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, डोरेमोन अभी बहुत बीमार है। जियान तुम? वो तुम ही थे ना जिसने हमारी गेम खराब की, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जियान जरा रुक जाओ, पिटने से पहले मुझे स्क्रू ढूंढना है। हे, तुम्हारे हाथ में ये क्या है, ये तो एक डॉल जैसी लगती है, इसे मुझे दे दो, लाओ। मैं तुम्हारे काम की हूँ, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगी। क्या तुम मेरे काम आ सकती हो? ठीक है तो फिर तुम मेरे लिए कुछ करके दिखाओ, चलो बाय नोबित। डोरेमोन, 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 मैंने वो स्क्रू ढूंढ लिया, ये देखो। क्या तुम सच कह रहे हो नोबिता? बहुत बहुत शुक्रिया नोबिता, मुझे पता है उस एंजल के खिलाफ जाकर इसे ढूंढना बहुत मुश्किल हुआ होगा। थैंक यू सो मच नोबिता, थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हर बार तुम मेरी मदद करते हो, आज मैंने कर दी तो क्या हो गया। शुक्रिया, शुक्रिया नोबिता। वापस ले लेते हैं, ये तुम्हारे फायदे के लिए है, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। देखो तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हो, मैं कह रहा हूँ अभी चुप हो जाओ। तुम्हें जल्दी से वापस जाना चाहिए, तुम वापस जाओ। ये क्या हो रहा है? नोबिता, डोरेमोन, हे क्या तुम दोनों मेरे लिए इस डॉल का कुछ कर सकते हो प्लीज? हे नोबिता, अगर तुमने कुछ ना किया तो मैं तुम्हें खूब मारूंगा। क्या हम दोनों इस बारे में कुछ कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता, हमें उसे वापस लेना चाहिए। और वैसे भी ये डॉल जियान को बहुत अच्छी सलाह देगी, है ना? बिल्कुल सही, मैं तुम्हारे लिए अच्छी हूँ, मैं पूरी जिंदगी के लिए तुम्हारे साथ रहूँगी। सच कह रही हूँ जियान। क्या कहा, मेरी पूरी जिंदगी? एक इस डॉल का कुछ करो तुम दोनों प्लीज, ये मुझे तंग करती रहे।